नमस्कार फ्रेंड्स, एसएम मैकेनिकल चैनल में स्वागत है। ये है ई रिक्शा की फ्रंट ग्लास, इसको मैं फिटिंग करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिटिंग शुरू करने से पहले एक सावधानवाणी है, ये है इस ग्लास को ज़रा सा भी चोट नहीं आना चाहिए, ज़रा सा भी कोई भी प्रेशर भी नहीं देना चाहिए इसमें। अगर प्रेशर आएगी तो बिल्कुल टूट जाएगी, इसलिए सावधानी से काम करना है। ये जो रबर है, इसका रबर का साइज़ है 31 इंच। अलग अलग साइज़ का ग्लास आते हैं, इसलिए अलग अलग साइज़ का रबर भी आते हैं। तो ये है 31 इंच का रबर। तो रबर का जो दोनों साइड है, ऊपर की और नीचे की जो साइड है, उस दोनों साइड को पहले लगा लेना है। अब ये राउंड वाला साइड में रबर घुसाएंगे। इस राउंड वाला साइड में रबर घुसाने के बाद ऐसे करके यहाँ पे पकड़ के रखना है, नहीं तो ये रबर जो है वो निकल जाते हैं। तो इस साइड भी ऐसे करके घुसा लेते हैं। हो गया हमारा चारों तरफ रबर का रबर फिटिंग। अब ऐसा एक रस्सी ले लेना है, इस रस्सी को रबर के बाहर के साइड में जो ग्रुप है उस ग्रुप में ऐसा करके घुसा देना है। इसी रस्सी के जरिए मैं इस ग्लास को इसके फ्रेम के साथ फिटिंग करने वाला हूँ। ऐसा करके मैं इस तीनों साइड जो है रस्सी घुसा दिया। ये जो साइड बाकी है इसमें रस्सी घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस ग्लास को मैं इस फ्रेम के ऊपर रखेंगे, उसके बाद इस फ्रेम को पलट के लेंगे। अब देखिए इसको पलट लिया। अभी जिस साइड में रस्सी को नहीं लगाया था उस साइड को पहले लगाएंगे, क्योंकि अभी ये ग्लास जो है बिल्कुल फ्री है, तो ये साइड जो है आसानी से घुस जाएगी। ये फ्रेम के ऊपर जो पत्ती होल्डिंग किया हुआ है उस पत्ती आराम से घुस जाएगी ये साइड में। देखिए बिल्कुल घुस गया। अभी इस साइड का जो रस्सी है वो निकाल देते हैं। ये निकालने के साथ साथ इसका जो रबर है वो फ्रेम के साथ आराम से बैठ जाएगी। ये दोनों साइड का रबर अभी आराम से बैठ गया। अब इस तरफ का जो रस्सी है वो धीरे धीरे निकालेंगे। धीरे धीरे खींचना है, ये खींचते ही इसका जो रबर है वो फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। देखिए इस साइड का रबर भी फ्रेम के ऊपर आ गया, सही तरीके से फिटिंग हो गया इस साइड भी। सेम तरीके से इस साइड का भी जो रस्सी है उस रस्सी को धीरे धीरे खींचेंगे। और रस्सी को खींचने से ही इस साइड का भी जो रबर है और रबर और फ्रेम के ऊपर आ जाएगी, तो इस साइड का भी फिटिंग हो जाएगी।
और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उस घंटी में क्लिक करके उसको ऑल में टच कीजिए आने वाला मेरा सारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रस्सी का काम ख़त्म हो गया, अभी हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा खींच के उसको सही जगह पर लाना है। अब फिर से इसको पलट लेंगे, पलट के उल्टा तरफ देखेंगे। पलट के चारों तरफ का जो रबर है वो सही तरीके से बिठा लेता हूँ और उसके बाद सफाई भी कर लेता हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो लगा है उसको सफाई कर लेता हूँ। उसके बाद इसको ई-रिक्शा के साथ फिटिंग करेंगे। अब फ्रेम को ई-रिक्शा के साथ सही तरीके से बिठा के ऊपर जो ऊपर दो 12 नंबर का नट बोल्ट होता है, नीचे भी दो 12 नंबर का नट बोल्ट होता है, तो पहले ऊपर का दो जो 12 नंबर का दो नट बोल्ट है उसको उसका बोल्ट पहले घुसा के ऊपर से उसका नट लगा देते हैं। अब नीचे की साइड में दो नट बोल्ट होते हैं, 12 नंबर के नट बोल्ट होते हैं, उसको भी सही तरीके से घुसा देते हैं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब सारा नट बोल्ट को 12 नंबर रेंज के जरिए टाइट कर देते हैं। ये देखिए इसका फिनिशिंग का कितना अच्छा आया। फ्रेम के ऊपर जो रबर लगा हुआ है, रबर कहीं भी उठा हुआ नहीं है, सही सारे जगह पे अच्छा से जो रबर है वो बैठ गया है। उल्टा साइड भी देख लीजिए, इस साइड भी जो फ्रेम है फ्रेम के साथ अच्छा से बैठ गया। ऐसा से ही बैठाना है, ऐसा करके ही बैठाना है पूरा अच्छा से। तो ग्लास फिटिंग हो गया कंप्लीट। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सावधानी से काम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।